गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास चैप्टर फोर एनिमल किंगडम में हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं जिसके बेस पे हम एनिमल्स को डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स में डिवाइड कर पाएंगे नेक्स्ट जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एनिमल्स कुछ जो एनिमल्स हैं उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम होगा ओपन और कुछ एनिमल्स में क्या होगा सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज रहेगा लोअर एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है जबकि जो हायर एनिमल्स हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा क्लोज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं मीन्स ऐसा सिस्टम जहाँ पे कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट ना हो ब्लड हर्ट से डायरेक्टली सारे के सारे पार्ट्स तक पहुंचाया जाएगा विदाउट द हेल्प ऑफ आर्टरीज वेन्स एंड कैपरीज ठीक है सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा Arteries, veins और capillaries होगी जो कि हैं इन की blood vessels है. blood ki, blood vessels में इन ब्लड फ्लो होगा और हार्ट से बॉडी के हर एक पार्ट तक क्या है ट्रांसफर कर दिया जाएगा अब जो सर्कुलेशन है वो सिंगल भी हो सकती है और डबल भी हो सकती है सिंगल सर्कुलेशन का मतलब क्या है ब्लड हार्ट से सिर्फ एक बार पास होगा ठीक है तो ऐसे सर्कुलेशन को हम बोल देंगे सिंगल सर्कुलेशन जो कि फिशेज में हो रही है है डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है? जो कि organism, कि हायर ऑर्गेनिज्म जैसे बर्ड्स और मैमल्स मैमल्स में mammals में आएंगे ह्यूमन बींग्स मॉकीस बफेलोज डॉग्स ठीक है तो डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि ब्लड हार्ट से दो बार पास होगा ट्वाइस मीन टू टाइम्स एक बार क्या होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास किया जाता है वापस फिर डिऑक्सीटेड होकर ब्लड को प्योरीफाई करेंगे फिर वो बनेगा, तो सेम टाइम पे हार्ट से दो बार मूवमेंट तो की जा रही है ठीक है वो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स तक जाएगा लंग्स में प्योरीफाई होगा और प्योरीफाई होने के बाद बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाने में हेल्प पहुंचाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ हार्ट ठीक है तो इस तरह से डबल सर्कुलेशन की जाती है सो डबल सर्कुलेशन में क्या करेंगे लंग्स हैं जो उन तक हार्ट से हार्ट के पास जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड है मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है उसको पहुंचा दिया जाता है ये हमारे पास मान लीजिए हार्ट के चार चैम्बर्स होंगे जिस डबल सर्कुलेशन के लिए हमें हार्ट के फोर चैम्बर्स की रिक्वायरमेंट है दो एट्रियम दो वेंट्रिकल्स तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो कि डी ऑक्सीजेड ब्लड है वो लंग्स तक भेजा जाएगा लंग्स में क्या होगा उस ब्लड की प्योरिफिकेशन होगी मतलब वो बना दिया ऑक्सीजन की और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है वापस से क्या है हार्ट में आएगा और हार्ट से फिर बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक क्या किया जाएगा ट्रांसफर कर दिया जाता है तो एक ही टाइप का ब्लड हार्ट से दो बार मूव किया एक बार ऑक्सीजनेटेड की फॉर्म में और दूसरी बार एक बार डिऑक्सीनेटेड की फॉर्म में और दूसरी बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड की फॉर्म में इसी चीज को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन ठीक है तो सर्कुलेशन के बेसिस पे भी ऑर्गेनिजम्स को हम डिवाइड कर पाएंगे नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम नाइट्रोजनस जो वेस्ट है ठीक है बॉडी के उनको बॉडी से रिमूव किया जाता है ठीक है नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया की फॉर्म में हो सकते हैं यूरिया की फॉर्म में यूरिक एसिड ठीक है तो इन सब फॉर्म में क्या है रिमूव किया जाएगा बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को ठीक है अब एक्सक्रेटरी सिस्टम है जो उसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं अमोनोटेलिक अमोनोटेलिक क्या है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अमोनिया को बॉडी से एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करेंगे ठीक है जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया को बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं वेस्ट की फॉर्म में उसको बोलते हैं अमोनोटेलिक इसमें आएंगे सिलेंट्रेटा स्पॉन्जेज अर्थफोम लीच और एम्फीबियन अम, ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स क्या हैं अमोनोटेलिक हैं फिर होते हैं हमारे पास यूरियोटेलिक यूरियोटेलिक क्या करेंगे यूरिया को एक्सक्रीट करेंगे ठीक है यूरिया भी क्या है नाइट्रोजिनस वेस्ट ही है जैसे कि फ्रॉग टोड्स और मैमल्स ये क्या करते हैं बॉडी से यूरिया को रिमूव करते हैं फिर हमारे पास होंगे यूरिकोटेलिक यूरिकोटेलिक क्या होंगे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट है जो उनकी बॉडी का वो होता है यूरिक एसिड तो यूरिक एसिड की फॉर्म में अगर नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाल रहे हैं तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं यूरिकोटेलिक फिर होते हैं हमारे पास अमीनोटेलिक अमीनोटेलिक क्या है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमीनो एसिड्स को बॉडी से बाहर निकाल दें इसमें कुछ और कुछ एकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे ठीक है तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं जिनका नाइट्रोजन वेस्ट क्या है डिफरेंट है नेक्स्ट अब एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो वेस्ट है ठीक है जो वेस्ट है वो भी क्या डिफरेंट है तो इसके बेसिस पे क्या होगा कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट हो सकती है ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि लोवर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा उनमें क्या होगा बॉडी के सरफेस से ही वेस्ट को बाहर निकाल दिया जाता है हाइड्रा में रेस्पिरेशन भी बॉडी के सरफेस से होता है और तो बहुत लोअर ऑर्गेनिज्म है सो यहाँ पे बॉडी के सरफेस से ही नाइट्रोजनस वेस्ट है जो अमोनिया उसको रिलीज कर दिया जाएगा प्लेटिहेलमिंथस है जो फाइलम उसके एनिमल्स में क्या प्रेजेंट होंगी फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो उन स्पेशल टाइप की सेल्स हैं जो कि क्या करेंगी वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करेंगी प्लेटिहलमेंथिस में जो हमारे पास अर्थ फॉर्म है उसके पास नेफ्रीडिया भी प्रेजेंट होंगे नेफ्रीडिया तीन डिफरेंट टाइप्स के हम पढ़ेंगे जिनसे क्या होगा बॉडी का वेस्ट रिमूव कर दिया जाता है इंसेक्ट्स में कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम बोलते हैं मेलफीजियन टिब्यूल्स ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स क्या करती हैं इंसेक्ट्स में जैसे कि हमारे पास है कॉकरोचेस उनमें वेस्ट को रिमूव करेगी वर्टिब्रेट्स जो कि हाइयर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें वर्टिब्रल कोलम जो बैकबोन है वो प्रेजेंट है उनमें क्या होगा किडनी की हेल्प से वेस्ट को बाहर निकाल दिया जाएगा ठीक है नेक्स्ट जो नर्वस सिस्टम है वो देखिए हाइड्रो है जो उसमें नर्वस सिस्टम इतना डेवलप नहीं होगा उस डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम रहेगा सारा का सारा मिक्सडअप सा रहेगा ना प्रॉपर न्यूरोन्स है वहां पे ठीक है तो वेल डिफाइंड नर्वस सिस्टम नहीं है तो इस टाइप के सिस्टम को बोल रहे हैं हम डिफ्यूज सिस्टम फिर हमारे पास होते हैं फाइलम मोलस्का फाइलम मोलस्का में क्या होगा गेंगलिया की फॉर्मेशन बनेगी गेंग्लिया क्या होती है जो नर्व सेल्स से है ना उन्हीं को हम बोल रहे हैं गेंगलिया उनका एक क्लस्टर सा एक ग्रुप बन जाएगा उसको क्या बोल देंगे हम गेंग्लिया बोल देंगे ठीक है में क्या होगा नर्व रिंग की फॉर्मेशन होगी रिंग्स की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी जो न्यूरॉन्स है वो कंबाइन होकर स्ट्रक्चर बना लेंगी जो हायर ऑर्गेनिजम्स है वर्टिब्रेट्स उनमें प्रॉपर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन होगी ठीक है तो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे ओके okay?